नमस्कार दोस्तों, आज के हफ्ते की हमारी किताब का नाम है फ्रीक्वेंसी बाय पेनी पियर्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई भी बात बार बार होना। यहाँ इस किताब में पेनी पियर्स थॉट वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब एनर्जी बीइंग्स हैं और हमारे विचारों की जो डोमिनेंट एनर्जी होती है वही हमारी हकीकत होती है और ये एनर्जी हमारे थॉट वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होती है। तो आइए जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस के बारे में पेनी पियर्स क्या कहते हैं। हमारे विचार, हमारी मान्यताएं, हमारा विश्वास यानी थॉट्स, बिलीव्स, फेथ के अनुसार हमारे वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है। हमारी ये फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं है कि हर बात के लिए अलग अलग या सेपरेट है। हमारी सोच यानी थॉट, बिलीफ, ये सारी जो बातें हैं, इन सारी बातों का हमारी फ्रीक्वेंसी पर असर होता है। जैसे कि अगर हम ऐसा मानते हैं कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं तो हम पैसे वालों से अपने आप दूर रहने लगते हैं बिना सोचे समझे। लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम ये बिलीफ फिक्स करा देते हैं कि हमें बुरा नहीं बनना है तो हमें ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। इस थॉट एनर्जी का जब हम बार बार सोचते हैं इसके बारे में, बार बार उसको लाते हैं अपने माइंड में, तो अपने आप वो हमारा बिलीफ बन जाता है और हम कई सारे अच्छे अनुभवों से, लोगों से दूर और वंचित रह जाते हैं। उसी तरह हमारी जो थॉट एनर्जी की फ्रिक्वेंसी है, हमारे आसपास उसी फ्रिक्वेंसी के लोग, माहौल अट्रैक्ट करती है। मतलब अगर हमारे वाइब्रेशन पर उसका जो असर पड़ता है, ये फ्रीक्वेंसी हम अपने चॉइस से चुनते हैं और जैसे ही हम अपने दिल की आवाज़ को सुनने लगते हैं हमारे वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव या हाई होने लगती है। यही कारण है कि हमें अपने फ्रीक्वेंसी के बारे में अवेयर होना, सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। जब हम हमारे फ्रीक्वेंसी के बारे में अवेयर हो जाते हैं तो हम उसे हर वक्त बढ़ाने की कोशिश करने लगते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ऐसे कई नेगेटिव विचार, इमोशंस आते हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसी को कम यानी लो कर देते हैं, लेकिन कॉन्शियस माइंड से उन्हें पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करके हम अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ने से हमारी इंट्यूटिव एबिलिटीज भी बढ़ जाती है यानी अंतः प्रेरणा, कुछ हमें इंट्यूशंस, इंस्पिरेशंस आते हैं वो। हमारे सही निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है, हमारी मैनिफेस्टेशन पावर भी बढ़ जाती है। हम सबके साथ अच्छे से कोऑपरेट करके उनमें जो बेस्ट क्वालिटी है ना उसे बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। औरों के हीलिंग और ग्रोथ में हम उनकी मदद करने लगते हैं, हम लोगों की मदद करने लगते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझने लगते हैं। हमारे अपने रिलेशनशिप में हैप्पीनेस बढ़ने लगती है, हमारे अंदर की जो लोनलीनेस है, अकेलेपन की जो भावना है वो ट्रांसफॉर्म होकर कनेक्टेडनेस यानी हम सब एक ही सोर्स से, एक ही स्रोत से जुड़े हैं और इसलिए एक दूसरे से भी जुड़े हैं, ये समझ हमारी बढ़ने लगती है। जो हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आध्यात्मिक हमारी जो प्रगति है उसके लिए बहुत अच्छा होता है और वो बढ़ने लगती है। जब हम इस हायर फ्रीक्वेंसी की जर्नी को, इस नीचे से ऊपर की यात्रा को समझते हैं तो हमें जो भी हमारे जिंदगी में हो रहा है उसका कारण पता चलने लगता है। हमारे मन के अंदर एक क्लैरिटी आ जाती है, हम अपने और अपने माहौल के ट्रांसफॉर्मेशन को यानी बदलाव को सहजता से स्वीकार करने लगते हैं, समझने लगते हैं। जब हमारे एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बसे हुए डर, शंकाएं, गुस्सा जैसे नेगेटिव इमोशंस वहां नहीं रह पाते, वे सब निकलने लगते हैं बाहर। जिस तरह लाइट जलाने पर सारा अंधेरा गायब हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह फ्रीक्वेंसी के हायर लेवल पर पहुँचने के बाद लोअर लेवल के इमोशंस, थॉट्स खत्म होने लगते हैं। जब हम हायर फ्रीक्वेंसी को हमारे अंदर बहने की अनुमति देते हैं और जो भी हो रहा है उसे शांति से देखकर समझने की कोशिश करते हैं, तब हम इस बात को समझते हैं कि अच्छा और बुरा, नेगेटिव और पॉजिटिव
ये सारे बाइपोलर यानी एक दूसरे से जुड़े हैं। मतलब अगर हम अच्छाई यानी पॉजिटिव होने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बुराई नेगेटिविटी उससे जुड़कर आ ही जाती है, क्योंकि बाइपोलैरिटी एक यूनिवर्सल लॉ है। इसे जानकर हम लॉ ऑफ वननेस यानी हमारे एक ही स्रोत का होना जान जाते हैं। हम ये भी समझने लगते हैं कि कैसे हमारे इमोशनल ट्रिगर्स हमें लोअर फ्रीक्वेंसी पर लेकर आते हैं, और फिर वही हमारी लाइफ में अनचाही बातें भी लेकर आते हैं। तब हमें पता चलता है कि कैसे हम अपने इमोशंस के बारे में अवेयर रहे या जागरूक रहे, ताकि हम वही सोच को पकड़े रखें जो हम जीवन में चाहते हैं, और जो हमें नहीं चाहिए उस विचार उस भावना को जल्द से जल्द लेट गो करे, छोड़ दे, जिससे हमारी फ्रिक्वेंसी लेवल बढ़ने लगती है और हम अपने खुद के अंदर एक हीलिंग का अनुभव करने लगते हैं। हायर फ्रिक्वेंसी के लेवल पर हमारे मन के घाव भरने लगते हैं, सारी कटुता जलन दूर होने लगती है, कई सारे हमारे डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होने लगते हैं, हमारी समझ की क्लैरिटी बढ़ने लगती है, और बाहरी दुनिया का शोर हमें फिर विचलित नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता। जैसे ही हमारे मन से डर धीरे धीरे कम होने लगता है, हमारे लिए सभी बातों के मायने बदलने लगते हैं। हम हर बात व्यक्ति घटना को आसानी से बगैर दुखी हुए लेट गो करने लगते हैं। एक फ्लो एक बहाव की तरह हमारी जिंदगी बन जाती है। हमें अपने चेहरे पर मुखौटे यानी मास्क, जो असल में हम नहीं हैं, ऐसे मुखौटे लगाना अच्छा नहीं लगता। हमारा अपने और दुनिया की ओर देखने का नजरिया यानी एटीट्यूड पूरी तरह बदल जाता है। हमें अपने लिमिटेड माइंडसेट से घुटन होने लगती है। हम अनलिमिटेड स्पेस को ढूंढने लगते हैं। जैसे जैसे हम अनचाही बातों को आसानी से छोड़ना यानी लेट गो करना शुरू करते हैं, हम अपने दिल की आवाज को क्लियरली सुनने लगते हैं। हमारी हर सोच अपने आप यूनिवर्सल लॉज के मुताबिक होने लगती है। हमारे अंदर और बाहर एक हार्मनी एक सुकून पैदा हो जाता है। हमें अपने हायर सेल्फ से गाइडेंस यानी मार्गदर्शन मिलने लगता है। हमारे खुद के पुराने मैं का टूटना या बिखर जाना ही हमारे नए मैं यानी हमारे हायर सेल्फ की ओर बढ़ना होता है। इस स्टीलनेस यानी शांति के माहौल में हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कई सारे बदलाव आ रहे हैं, हमारे ब्रेन का रीवायरिंग हो रहा है, हमारे बिलीफ सिस्टम में बदलाव हो रहा है। जब हम हायर फ्रीक्वेंसी लेवल पर होते हैं, तब हम औरों को देखते हैं, और जो हमारे आसपास के लोग अभी तक लो फ्रीक्वेंसी की वजह से तकलीफ में है, उन्हें हम मदद करने लगते हैं, फिर चाहे वे हमें तकलीफ ही दे रहे हो, हम उनके लिए टीचर हीलर या मेंटोर बन जाते हैं और उन्हें भी हायर फ्रीक्वेंसी लेवल पर लाना शुरू कर देते हैं। हम आशावादी उत्साही विश्वास रखने के लायक और औरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं, और लोग हमारे साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। हमें उनके फ्रीक्वेंसी लेवल के बारे में पता चलने लगता है। हम हायर फ्रीक्वेंसी लेवल पर होने के बावजूद उनके लेवल पर आकर उन्हें समझा सकते हैं। हमारी अवेयरनेस यानी जागरूकता हमारे शरीर आसपास का माहौल और औरों की एनर्जी के प्रति बढ़ जाती है। हम अपने सेंटर यानी केंद्र में रहने लगते हैं, तो हमारा औरों से दुनिया से डर खत्म हो जाता है। हम औरों की वजह से दुखी होना छोड़ देते हैं और अपनी फ्रीक्वेंसी को सिर्फ इक्वल या हायर फ्रीक्वेंसीज के साथ ही रखते हैं, एडजस्ट करते हैं, जोड़ते हैं। हम राइट या रॉन्ग यानी सही या गलत के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। हमारे इंस्पिरेशंस इंट्यूशंस बढ़ने लगते हैं और हमें वो हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। हम अपने आप से अपने आप में खुश रहने लगते हैं। हमें औरों को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं रहती, जिससे हम सही और सहज होने लगते हैं। हमें पता चल जाता है कि जो भी हमें मालूम होना चाहिए वो सही वक्त पर अपने आप हमें मालूम हो जाएगा। हम अपनी
पॉजिटिविटी को आसानी से औरों के साथ शेयर करने लगते हैं। हम जिंदगी के सभी छोटे बड़े अनुभवों को सहज स्वीकार करते हैं। हमें पता चल जाता है कि हमारे सारे अनुभव हमारे चॉइसेस पर डिपेंड होते हैं। हम अपने चॉइसेस के बारे में अवेयर हो जाते हैं, जिससे हम अपने सारे अनुभव, अपनी हकीकत, अपने माहौल पसंद के मुताबिक बना देते हैं। हम अकेले रहकर भी पूरी दुनिया के साथ अपना कनेक्शन बना लेते हैं। हमें पता चलता है कि हम और ये दुनिया कई सारी फ्रिक्वेंसीज और डायमेंशन से बनी है, और हम किसी भी फ्रिक्वेंसी या डायमेंशन में एक्सेस पा सकते हैं, उसे अनुभव कर सकते हैं। हमारे रिलेशनशिप से जब हम अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें अपने रिश्तों के बारे में कुछ सवाल अपने आप से पूछना जरूरी हो जाता है। जैसे कि क्या इस व्यक्ति से मुझे कौन सा लेसन सीखना है जो मेरी फ्रिक्वेंसी लेवल को बढ़ाएगा, मेरा इन्वॉल्वमेंट इस रिश्ते में सही है कि नहीं, कि कम है या ज्यादा है जरूरत से, जो मेरी फ्रिक्वेंसी लेवल को डिस्टर्ब कर रहा है, क्या मुझे इस रिलेशनशिप को बदलना या सुधारना जरूरी है। ये सारे सवाल हमें अपने आप से पूछने हैं, उन्हें अपने मन में पहले जवाब ढूंढना है, और फिर हमें उन व्यक्तियों से जो जरूरी बात है वो कहनी है या करना है। हमारी हर समस्या या प्रॉब्लम हमेशा हमारी फ्रिक्वेंसी लेवल को बढ़ाने के लिए ही आती है, इस पर हमें विश्वास रखना बहुत जरूरी है। अगर हमें कई सारे रिश्तों में प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो इसका मतलब सबकी जड़ हमारे खुद के अंदर है, और एक ही बात है जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो उस बात को ढूंढ कर निकालने पर हमारे एक एक व्यक्ति से रिलेशन ठीक होने लगते हैं। जब हमारी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, तो हम अपनी आइडियाज डिजायर्स पर पूरा ध्यान देते हैं, और जैसे ही हम अपनी फ्रिक्वेंसी में उसे महसूस करने लगते हैं, हम उसे फास्ट हकीकत में लेकर आते हैं। इसके बिल्कुल विरुद्ध, जब हमारी फ्रिक्वेंसी लो होती है, तो हम अपने डिजायर पर विश्वास नहीं रख पाते। हम उस डिजायर को अपने से अलग मानने लगते हैं। हम उसे पाने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। हमारी इमेजिनेशन पावर बिल्कुल काम नहीं करती। हमें जो भी चाहिए उसके लिए हमें ट्राई तो करना है, लेकिन वो अगर हमारे सोल पर्पस पर नहीं है या हमारी फ्रिक्वेंसी के लिए गलत है, तो वो हमें मिलना ही चाहिए, ये जिद नहीं करनी। इस बात को हम भूल जाते हैं, इसलिए हमें अपनी फ्रिक्वेंसी को हमेशा बढ़ाते रहना हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। और इस फ्रिक्वेंसी को हमें कैसे बढ़ाना है, इसके लिए कई सारे अलग अलग टेक्निक्स हमने बहुत सारे दूसरे वीडियोस में भी देखे हैं, और जो टेक्निक्स के वीडियोस हैं मैं इसके साथ लिंक भी कर रही हूँ, ताकि आप उन्हें भी देख सकें। और हमारी जो नेगेटिव इमोशंस है, उन पर हमें इसलिए काम करना है कि मेरा गुस्सा, मेरा डर, मेरा शक, इसलिए हमें उस पर काम करना है, उसे कम करना है, उसे निकालना है धीरे धीरे, क्योंकि उसे सिर्फ निकालने से ही हमारी फ्रिक्वेंसी लेवल अपने आप बढ़ने लगती है, ऊपर की ओर जाने लगती है। और फ्रिक्वेंसी लेवल अगर हायर हो तो उसके कई सारे फायदे हैं, जो हमने अभी इसी बुक में देखे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज से ही हम अपने फ्रिक्वेंसी पर काम करना शुरू कर देते हैं, ताकि हमें हायर फ्रिक्वेंसी लेवल के सारे जो फायदे हैं, सारे जो बेनिफिट्स हैं, हमें मिल सके। धन्यवाद।